हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं पकौड़ा, सैंडविच, पूड़ी, पराठे से साथ खाने वाला रेस्टोरेंट स्टाइल हरे धनिया की चटनी दही वाली बनाकर तैयार करने जा रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, पर इसका स्वाद बड़ा ही अनोखा है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। चटनी बनाने के लिए हमने इंग्रेडिएंट्स लिया है, वो है हरी धनिया जिसे हमने धो के उसके पत्ते तोड़ लिए हैं, दही, चाट मसाला, नमक, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक। तो अब हम एक मिक्सर जार लेंगे, इसमें हम डालेंगे अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, चाट मसाला, नमक, दही और हम थोड़ा थोड़ा करके धनिया पत्ता डाल के पीसेंगे, क्योंकि चटनी जार छोटी होती है तो उसमें एक साथ में सभी पत्तियां नहीं आएगी, तो हम थोड़ा सा डाल के पीसेंगे, फिर थोड़ा सा डाल के पीस लेंगे तो नीचे वो बैठ जाता है। तो चलिए हम पीस के दिखाते हैं आपको। हमने चटनी को पीस लिया है, तो फ्रेंड्स आप इसकी कलर देखिए, कितनी बढ़िया अपनी चटनी तैयार हुई है। इसे हम एक बोल में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो ये अपनी रेस्टोरेंट स्टाइल हरी धनिया की चटनी दही वाली बनकर तैयार है। इसे आप पकौड़ा के साथ, राइस, रोटी के साथ, पराठे, चपाती के साथ खाइए, बहुत ही मजेदार लगता है। तो फ्रेंड, अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।